क्या हर रोज एक ही तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करनी जरूरी है क्या? आप लोग एक ही तरीके का ब्लॉग देख के बोर नहीं हो जाते? इसीलिए तो मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो अमीगोस, तो भाई आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार आप लोग YouTube वीडियोस तो देखते रहते हो, YouTube में नए नए ब्लॉग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस आप हर रोज कंज्यूम करते हो, बट क्या आपको पता है कि एक YouTube वीडियो या फिर ब्लॉग बनाने के लिए कौन सी इक्विपमेंट्स एक्चुअली जरूरत होती है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ कि मैं ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ। अगर आपको इन सब चीजों पे इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप देखो। यार आपको लगता होगा कि वीडियो शूट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक कैमरा जिसमें अच्छी खासी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती हो। और अगर आप ये सोच रहे हो तो यार आप लोग बहुत बड़े गलतफहमी में हो। तो आज का मेरा ये वीडियो नए यूट्यूबर्स और जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बट मेरे इक्विपमेंट्स आपको दिखाने से पहले मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं अभी जो इक्विपमेंट्स दिखाने वाला हूँ वो सभी मैं यूज करता हूँ, और किसी भी तरीके से मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी ये सब चीजें यूज करो, क्योंकि हमेशा ये चीज याद रखना कि द बेस्ट इक्विपमेंट इज द बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल। और वैसे भी आजकल स्मार्टफोन्स की वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है, और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि अपने स्मार्टफोन से अपने ब्लॉग का बहुत ज्यादा पार्ट शूट कर लेते हैं। सो डोंट गो फॉर द फैंसी इक्विपमेंट्स अनलेस इट इज रियली रिक्वायर्ड। और मेरा ये मानना है, जो कि आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे, कि एक लेवल पर जाकर के आपको इक्विपमेंट्स को लेवल अप करना पड़ता है। सो अनलेस यू रियली नीड एनीथिंग, डोंट गो फॉर इट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैं यूज करता हूँ अपनी ब्लॉगिंग के लिए। So here I am introducing you my camera bag, जिसके अंदर Sam's Vlog की सारी equipments रहती है, और इस bag को हर जगह carry करना is a huge task itself. तो सबसे पहले आपको इस बैग के बारे में बता देते हैं, क्योंकि यही वो बैग है जो कि मेरी सारी इक्विपमेंट्स कैरी करती है। तो ये जो बैग है वो है फार जेडन ब्रांड का, जो कि मैंने 1.5-2 साल पहले खरीदा था अमेजोन से। और ये बैग जो है वो स्पेशली डिजाइन है कैमरा इक्विपमेंट्स एंड लैपटॉप्स के लिए, मतलब फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट्स कैरी करने के लिए। तो ये जो बैग है वो है एक बैग पैक, जो कि आप देख सकते हो ये रहा। इसके ऊपर में है एक कंपार्टमेंट, और यहाँ पर है एक मेन चेम्बर, और दोनों साइड में है वाटर बॉटल होल्डर, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आप ट्राईपॉड को इन करके उसको कैरी कर सकते हो बैग के साथ। और बैग जो है बहुत ही स्टर्डी है। इस बैग को लेकर के मैं मेरी पूरी राजस्थान ट्रिप जो है वो कम्प्लीट करी थी। राजस्थान में बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स भी बनाए थे। अगर अभी तक आपने मेरे राजस्थान सीरीज वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी जाकर के आप चेक कर सकते हो। वहां पर राजस्थान सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे मेरे राजस्थान के ब्लॉग हैं, जहाँ पर बहुत ही एंटरटेनिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मुद्दे पे आते हैं और दिखाते हैं आपको कि बैग के अंदर क्या क्या चीज है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बैग के सबसे पहले कंपार्टमेंट से, जो कि है ये वाला कंपार्टमेंट। और यहाँ पर मैं रखता हूँ मेरा कंप्यूटर ग्लास, और ये जो ग्लास है वो है एक जीरो पावर कंप्यूटर ग्लास, जो कि है टाइटन ब्रांड का, मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था ये। इसको मैं हमेशा यूज करता हूँ चश्मे को, जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ तब। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। कंप्यूटर ग्लास के साथ साथ मैं यहाँ पर रखता हूँ मेरे मैकबुक का चार्जर, ये है मैगसेफ चार्जर। मैगसेफ शायद अभी नहीं मिलता है किसी भी मैकबुक में। और अब आते हैं मेन कंपार्टमेंट में, जहां पर मेरी सारी चीजें रहती है। मैं आपको एक एक करके निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि मेरा लैपटॉप कौन सा है, कहां पर मैं एडिट करता हूँ। तो ये है मेरा लैपटॉप, एक लैपटॉप स्लीव के अंदर है ये, मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ। तो भैया ये है वो लैपटॉप जिसमें मैं मेरी हर एक ब्लॉग एडिट करता हूँ, और ये है मैकबुक एयर 2017 मॉडल। तो इसके बिना भाई मैं कोई भी वीडियो का पोस्ट प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर ये किसी भी तरीके से खराब हो गई या फिर चोरी हो गई या फिर कुछ भी हुआ इसके साथ, तो मेरा वीडियोस तो भाई गए काम के लिए, एटलीस्ट कुछ दिन के लिए। और हाँ, चोरी से याद आया कि ये जो बैग है विद फुल इक्विपमेंट्स, मैंने इसको एक बार गलती से छोड़ के आ गया था जयपुर में। आमेर फोर्ट में घूमने गया था पूरी फैमिली के साथ, तो वहां पर मैं फोटो खिंचाने के लिए एक जगह पर तो बैग उतार के रखा था मेरे पीठ से, तो फोटो खिंचा के मैं बाहर निकल गया, और गाड़ी में जब मैं उठने जा रहा था तब मुझे याद आया कि मेरा बैग मेरे साथ है नहीं। तो यार एक छोटा मोटा हार्ट अटैक तो तभी आ गया था, और थैंक गॉड कि मैं दौड़ करके गया वहां पे और देखा कि एज इट इज वहां पर ये पड़ा हुआ था। तो अगर ये तब घूम जाती तो मैं ये वीडियो शायद अभी नहीं बना रहा हूँ।
तो भैया अब आते हैं मेरी दूसरी मेन चीज जो कि है मेरी मेन कैमरा, उस पर। तो ये देखो भाई मैं कैसे रखता हूँ कैमरे को, मतलब बिल्कुल एक बेबी की तरह रखता हूँ। एक्चुअली गैजेट से मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार है, तो इसीलिए मैं उसको जितना हो सके उसको संभाल के रखता हूँ। तो ये जो कैमरा है वो है मेरी पहली DSLR जो कि है कैनन 750D। कैनन 700D आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा फेमस कैमरा था, तो ये वाला कैमरा उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये जो कैमरा है मैंने इसी से अपनी व्लॉगिंग करियर स्टार्ट करी थी। मेरे सारे जो राजस्थान सीरीज के व्लॉग्स है वो इसी कैमरे पे शूट हुए हैं। फिलहाल मैं अभी इस कैमरे को बहुत ही कम यूज करता हूँ क्योंकि मैं अभी यूज करता हूँ इससे एक बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट सा कैमरा जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो मैं आपको आगे जा करके दिखाऊंगा। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इस कैमरे के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज खरीदे थे, तो वो आपको दिखा देते हैं। ये है कैमरा का ओरिजिनल बैटरी, ये जो बैटरी है, और ये है चार्जर, इस वायर से इसको चार्ज किया जाता है। ये हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज मैंने खरीदे थे जो कि थर्ड पार्टी बैटरीज है, ओरिजिनल कैनन के नहीं है, बट ओरिजिनल कैनन का जो बैटरी है उससे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर्ड है, मतलब इसका जो कैपेसिटी है थोड़ा सा ज्यादा है। ये जो ब्रांड है ये है पावर एक्स्ट्रा जो कि बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है। तो ये दोनों बैटरी सेम ही है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी है जो कि है सेम ब्रांड का पावर एक्स्ट्रा, ये दोनों एक ही साथ आया था। ये देखो भैया ये है वो चार्जर जिसमें हम लोग एक साथ दो दो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। शायद ये जो डिफॉल्ट बैटरी आता है कैमरे के साथ वो चार्ज नहीं करेगा, इसके अंदर एक वायर है जिसके साथ हम इसको चार्ज कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा वायर भी आया था जो कि हम इसके साथ कनेक्ट करके बैटरी चार्ज कर पाते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। तो भैया अभी आते हैं लेंस पे। ये जो मेरा मेन कैमरा है इसके अंदर जो लेंस अटैच किया हुआ है वो है 1855, और ये एक किट लेंस है। इसका जो व्यूइंग एंगल है वो ज्यादा वाइड नहीं है, तो ये ब्लॉगिंग के लिए तो उतना ज्यादा रिकमेंडेड है नहीं, बट मैंने कुछ ही देर पहले बोला था कि द बेस्ट इक्विपमेंट इज द बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल। और एक लेंस है मेरे पास जो कि है एक प्राइम लेंस, और ये हर कोई वीडियोग्राफर फोटोग्राफर के पास जरूर रहती है। मैं कितना संभाल के रखता हूँ देख रहे हो, ये गया बबल रैप और ये गया एक और प्लास्टिक, और ये लेंस है 50mm लेंस, कैनन का ओरिजिनल 50mm लेंस। ये जो लेंस है ये फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया लेंस है, और इस लेंस को यूज करके आप बहुत ही बढ़िया बीरोल शॉट्स ले सकते हो क्योंकि ये वाला लेंस है 1.8 एपर्चर वाला लेंस, बिल्कुल क्रीमी सा बैकग्राउंड ब्लर आता है। तो भैया अब आते हैं माइक पे। मैं जो माइक यूज करता हूँ वो है एक बोया ब्रांड का माइक, बोया BYMM1, जो कि एक बहुत ही बढ़िया माइक है बिगिनर्स के लिए। तो ये जो है वो है डेड कैट मरी हुई बिल्ली, और ये है वो ओरिजिनल माइक, और ये है एक अटैचमेंट जिसके ऊपर मैं इसको अटका दूंगा। तो ये इस पर अटक गई, और इसको मैं डेड कैट पहना दूंगा और ये कैमरे के ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ पर ऐसे अटका देंगे और इसको टाइट कर देंगे, बस। ये देखो ये जो सेटअप है वो बहुत ही बढ़िया सेटअप है एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए। तो ब्लॉगिंग करते वक्त कैमरे के साथ चाहिए आपको एक गोरिल्ला पॉड, तो ये है वो गोरिल्ला पॉड। ये एक चीप गोरिल्ला पॉड है, यूट्यूब में बेस्ट स्टैंडर्ड गोरिल्ला पॉड होता है जो भी का, बट इससे मेरा काम तो चल जाता था। ये है मेरे एक एक्शन कैमरा का केस, इसके अंदर मैं एक्शन कैमरा रखता हूँ, ये भी मैंने अमेज़न से खरीदा था। ये है एक माउस जो कि है Logitech का B170, बहुत ही हैंडी माउस है। सिर्फ प्राइस है इसका 499, बट इन जनरल इसका प्राइस रहता है 550-600 के करीब। तो भैया अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, और वो है एक हार्ड ड्राइव। ये जो है वो है एक हार्ड ड्राइव केस, जो ब्रांड है वो है टाइजम करके कोई तो ब्रांड है, और इसके अंदर मैं रखता हूँ मेरा हार्ड ड्राइव। मेरे पास एक ही हार्ड ड्राइव है, अभी तक इससे ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है। सीगेट का हार्ड ड्राइव 1 TB कैपेसिटी है इसका, इससे अभी तक तो काम चल रहा है, बट रिसेंटली मुझे ये लग रहा है कि ये भी भरने वाली है। तो इसके अंदर सिर्फ मेरी यूट्यूब की फुटेजेस ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारी मूवीज है जो कि मैं देखता रहता हूँ, वो भी इसमें डाउनलोड करके रखे हुए हैं। बहुत सारे पेन ड्राइव्स है, शायद इनमें से ज्यादातर खराब ही है। और क्या है, हाँ, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको जरूरत है एक बहुत ही अच्छी हेडफोन की। मेरे पास दो हेडफोन्स है, एक है थोड़ी सी कम बजट का जो कि इस केस के अंदर रखता हूँ मैं, ये एक्चुअली मो का केस है, वो मैंने कैप्चर कर लिया है।
इसके अंदर मैं ये हेडफोन रखता हूँ जो कि है बोट का हेडफोन। इसके साथ साथ मेरे पास एक थोड़ा सा फैंसी हेडफोन भी है, आपको ऑलरेडी मेरे पिछले ब्लॉग्स में दिख गया होगा। इसके साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नेल पॉलिश रिमूवर के साथ इसको मैं साफ करने गया था, तो ये हालत हो गई। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर के देखो, उसमें मैंने चैलेंज भी करी थी, वो टिकटॉक तो वाला शायद टिकटॉक तो वाले ब्लॉग में शायद मैंने दिखाया था इसको। तो ये जो हेडफोन है वो है नॉइस का X5। ये हेडफोन नहीं है, ईयरफोन है, ईयर प्लग है। तो इसको आप एक भी यूज कर सकते हो या फिर दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हो। और ये जो ईयरफोन का केस है वो एक खास केस है। इसकी खासियत ये है कि इसको आप पावर बैंक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। यह है चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से आप किसी भी मोबाइल डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। कैपेसिटी कम रहती है इसकी, बट इमरजेंसी में बहुत ज्यादा काम आती है। और एक चीज है वो है स्पीकर। ये है एक ब्लूटूथ स्पीकर माइक्रोमैक्स का। मैं पिछले 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ इसको, बहुत ही बढ़िया अभी तक चल रही है। इसकी साउंड क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है। 10 वॉट स्पीकर्स है, 5-5 ईच। अब आप बोल सकते हो कि एक ब्लॉग बनाने में स्पीकर का काम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्पीकर है वो मेनली मैं यूज करता हूँ गाने सुनने के लिए। मैं जब ब्लॉग एडिट करता हूँ तो इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और जो ऑडियो आउटपुट होती है वो स्पीकर में कैसे सुनाई देती है वो मैं कभी कभार चेक कर लेता हूँ। पर हाँ, छोटी सी एक और चीज है जो कि है कैमरे का लेंस कैप्स। मतलब लेंस कैप्स ही है, बट इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे मेमोरी कार्ड्स एंड अडैप्टर्स रखने के लिए। और ये वाला जो आइडिया है वो मैंने देखा था इरफान जुनेजो की ब्लॉग्स में, सो थैंक्स इरफान भाई। और हाँ, ये कैमरा तो मैंने अभी तक दिखाया ही नहीं। तो भैया अभी आपको दिखाते हैं कि मैं कौन सी कैमरे से अभी शूट कर रहा हूँ। तो वो है ये कैमरा, ये है एक DJI Osmo Action। इसको मैंने खरीदा हुआ था ऑफलाइन मार्केट से। ये आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन में शायद अभी सस्ती पड़ रही है। और उसके साथ साथ ये जो गोरिल्ला पॉड मैं अभी यूज कर रहा हूँ इसके साथ, ये है यांत्रेले का, शायद ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन है इसका, यांत्रेले या फिर यांत्रेले ऐसा कुछ है। और ये जो एक्शन कैमरा है वो फिलहाल के लिए है मेरी मेन ब्लॉगिंग कैमरा, इसी से मैं अभी फिलहाल सारे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। यार ये इतना छोटा और हैंडी है, मतलब इतना कॉम्पैक्ट साइज है इसका, ऊपर से दोनों तरफ इसका स्क्रीन है, बैक स्क्रीन है और फ्रंट स्क्रीन भी है, तो बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है आपके व्लॉगिंग के लिए। तो भैया इन दो कैमरे के अलावा मेरे पास एक और भी चीज है जिससे मैं कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशंस में व्लॉग शूट कर लेता हूँ, और वो है मेरी स्मार्टफोन। तो ये है मेरा स्मार्टफोन, ये है एक iPhone 8 Plus। तो इसका जो कैमरे का क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मैं कभी कभार इसे शूट कर लेता हूँ। तो भैया यही थी सारी चीजें जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे हर एक ब्लॉग्स बनाने के लिए। अगर आप इन जैसे चीजों से ब्लॉग्स बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, आपकी मर्जी है। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद आई है और आप उसको खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक्स मौजूद रहेंगे, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो भैया यहां तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि एक ब्लॉग या फिर कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मिनिमम इक्विपमेंट क्या क्या जरूरत होती है। तो आप वेट किस लिए कर रहे हो, जाओ एंड स्टार्ट योर यूट्यूब करियर राइट हियर राइट नाउ। तो भैया आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते। यार मैंने तो आपको बैग के अंदर वाला सीन दिखाया ही नहीं, आप एक बार चेक कर लो।